आप लोगों के मुताबिक जेल से सिर्फ एक लड़की भागी? जी सर। उससे जेल में मिलने कौन कौन आता था? अर्जुन नंदा, और हाँ एक बार मिस्टर नंदा और उनकी बहू मधु भी उससे मिलने आए थे। लेकिन मिस्टर नंदा के बेटे विजय के कत्ल के जुर्म में पूजा जेल में मिलने आना। मिस्टर पांडे सर, तुम इस केस का चार्ज लो, मगर ख्याल रखना कि मिस्टर नंदा शहर के बहुत बड़े आदमी हैं, इसलिए बिना किसी सबूत के। यू अंडरस्टैंड? आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं आज से ही उनका टेलीफोन टैप करता हूं। हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। अर्जुन सर, अर्जुन का फोन। कहाँ से बोल रहे हो तुम? येलो गेट से। ठीक 10 मिनट बाद एक बोट में बिठाकर हमें जहाज तक ले जाया जाएगा। 10 मिनट? दो दिनों में हम विदेश में होंगे, वहाँ पहुँचते ही फोन करना। अपना रेडी का ख्याल रखना, महीने भर बाद लंदन में मिलेंगे। अर्जुन का पता चल गया, तुम फॉरन फोर्स लेकर येलो गेट पहुँचो। तुम हमारी फिक्र मत करो, अपना और पूजा का ख्याल रखना। अच्छा भाभी, और अच्छा भाभी मेरा वक्त हो गया। अच्छा येलो गेट किस तरफ है? Take it straight, fast. Captain to deck, over. उस जहाज को फौरन वापस बुलाइए। ओके, इसमें एक मुजरिम है। या, अलाउ? ओके कंट्रोल, ओके। जहाज को वापस लो। तुम लोग उस जहाज पर निशाना लगा कर रखो। बॉस ने कहा था ये पुलिस के हाथों नहीं लगना चाहिए।
मगर पुलिस की नजर तुम लोगों पर तो नहीं पड़ी ना? ठीक है बेटे, पुलिस की आंखों में धूल झोंकना इतना आसान नहीं है, और फिर तुम पूजा से जाके जेल में मिलते भी रहे हो, वो लोग तलाश करने के लिए यहां भी आ। रुको, दरवाजा मत खोलना। पुलिस, देखा आगे ने पुलिस, अभी आपकी छुप क्या कहीं, जाओ जाओ जल्दी 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 गो, गो। अगर वो पुलिस के हाथ लग गया तो जिंदा बच जाएगा, मतलब हमारे प्लान की मौत। वो जहाज तो हमने रुकवा दिया, लेकिन वो वहां नहीं मिला, इसका मतलब यही हुआ कि वो यहां है। I'm sorry, मुझे आपके घर की तलाशी लेनी पड़ेगी। तरफ ढूंढ लिया, यहां कोई नहीं है सर, अंदर तो कोई नहीं है। चलो लेट्स गो। इंस्पेक्टर, यस। नंदा साहब जैसे इज्जतदार आदमी के घर तलाशी लेने की वजह मैं जान सकता हूं? हमें शक है अर्जुन और पूजा यहीं कहीं छुपे हुए हैं। सर्च वारंट है आपके पास? जी नहीं, आज संडे है। आप जानते हैं कि बगैर सर्च वारंट के तलाशी लेने के जुर्म में मैं आपको नौकरी से सस्पेंड करवा सकता हूं। जी हां, आई एम सॉरी, लेकिन ओके। ये मेरा कार्ड है, आई एम एन एडवोकेट मिस्टर श्रीवास्तव। मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, वरना वो कहते ना कि कहीं लेने के देने न पड़ जाए। आइए मैं आपको गेट तक छोड़ देता हूं, आइए। इंस्पेक्टर साहब, आप तलाशी लेने के लिए कभी भी आ सकते हैं, लेकिन वारंट के साथ प्लीज। वाकई अगर सागर न होता तो न जाने क्या हो जाता। सागर साहब, सागर साहब, आज आपने मुझे बचा लिया। आपका नमक खाया सर, हक तो जताना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं, एक दिन ये कर जरूर चुकाऊंगा मैं आपका। अच्छा पापा, मैं चलता हूँ। चलो, कहाँ जा रहे हो? ऐसी जगह जहाँ पर पुलिस ना पहुंच सके। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जा रहे हो? वो मैं भाभी को फोन करके बता दूंगा। चलो पूजा, ठहरो, मैं जाके देख लूं कि पुलिस है कि नहीं। आओ पूजा। मैंने तुम्हें नहीं अर्जुन साहब, अपने आप को बचाया है। तुम जेल चले जाते तो मेरा प्लान कहाँ जाता? मैं तो उसी मिसाल पर चल रहा हूं। कहते हैं ना कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं।